दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं और हमने इन दोनों चैप्टर्स के अंदर ये देख लिया कि कुछ सवाल तो ऐसे थे जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखने के बाद ही आंसर मिल पा रहे थे और वो वैल्यूज कहां से आ रही थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये टेबल होती है उसमें से हमें रखनी पड़ रही थी। और आपको ये भी पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 12 मार्क्स मतलब 12 मार्क्स का आएगा, 12 नंबर के सवाल बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से जिनके आंसर वो टेबल की वैल्यूज रखने के बाद ही आप ले सकेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको जरूरत है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं जिसकी मदद से आप उस टेबल की सारी वैल्यूज को याद रख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। काफी सारे व्यूअर्स ने, काफी सारे बच्चों ने कमेंट करके कहा कि सर हां हमें जरूरत है, आप हमें वो शॉर्ट ट्रिक सिखाइए जिसकी मदद से हम वो टेबल याद रख सकें। तो इसीलिए आज की ये वीडियो उसी टेबल के ऊपर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज आप शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर कोई मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसको बता दूं कि हमारे चैनल डियर सर पर फुल चैप्टर सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम 9-10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे, और पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैप्टर्स हमारे ही हैं। ठीक है, लाखों बच्चों ने देख लिए हैं चैप्टर और इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। आगे मैं सीबीएसई के वो सैंपल पेपर भी आपको सॉल्व करवाऊंगा जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। आपके साथ में एग्जाम होने तक बना रहूंगा, हर तरीके से आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आपके स्कूल बंद है और आप घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और आपके डाउट्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं, वो है डाउटनेट। आप डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिए, वहां पर आपको आपके सभी डाउट्स का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के अंदर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो भी आपका डाउट आता है आप उसकी फोटो क्लिक करना, क्रॉप करके उनकी एप्लीकेशन में अपलोड कर देना, वहां से आपको 5 सेकंड के अंदर ही उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, आपका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब कुछ भी कोई सा भी बोर्ड हो आपका, सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर चाहे आप आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक कोई भी आप क्लास में हो या फिर कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सबके वीडियो सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए उसका भी लिंक ऐड कर देता हूं, वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके रख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है, हर तरीके से मैं आपका सपोर्ट करूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख लीजिएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी टेबल को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। कैसे याद होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सारे फंक्शन लिखे हुए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक होते हैं सबकी, साइन 30 की, साइन 45 की, इस तरह सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कैसे याद करोगे, पहले ट्रिक सुनो। याद करने का तरीका ये है इस टेबल को, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइन की वैल्यूज याद करनी है, बस साइन की वैल्यूज याद कर लो, बाकी की सारी वैल्यूज खुद ही याद हो जाएंगी। अब साइन की कैसे याद करेंगे, देखिए साइन की वैल्यू पर ध्यान दीजिए, साइन की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको याद करनी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये किस तरह से आपको याद हो सकती है, सबसे पहले 0 कुछ भी नहीं है, फिर क्या आया आधा आ गया, 1/2 आ गया, फिर 2 पे रूट लगा दो 1/√2, फिर क्या ऊपर रूट ले जाओ √3/2 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, लो जी याद हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। अब देखिए जादू आपकी आंखों के सामने, जादू होगा, जादू ये होगा कि अब हमें कोस की वैल्यू याद करनी है। कोस की वैल्यू पता कैसे याद होंगी, जो आपने ये वैल्यूज याद करी है ना इन्हीं को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो कोस की वैल्यू बन जाती है। देखो ना यहाँ पर ध्यान से, रिवर्स ऑर्डर मतलब ये है कि भाई ये वैल्यू साइन की क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, जो सबसे लास्ट में थी वो सबसे पहले लिख दो कोस की, तो ये आ जाएगा आपका कोस 0°। जो उससे पहले थी वो उसके बाद लिख दो, जो बीच में थी वो बीच में ही आ गई, जो उससे पहले थी वो उसके बाद में चली गई, और जो सबसे पहली वैल्यू थी साइन 0° की वो सबसे लास्ट में लिख दो, तो वो कोस की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप देखिए कोस की वैल्यू भी याद हो गई आपको, कोस की क्या रहेगी, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 0, मतलब इसका आपको उल्टा ऑर्डर लिख देना है, ये आपकी कोस की वैल्यू हो जाएगी। अब टेन की बात पे आ जाओ, टेन क्या होता है, टेन थीटा हमने पढ़ा था भाई, टेन थीटा जो होता है सर जी वो होता है आपका, टेन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब देखिए एक चीज़ और क्या बताऊँ आपको, टेन थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। कैसे होता है वो भी आपको समझाता हूँ, एक एक चीज़ के पीछे का लॉजिक मैं आपको दूंगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद याद है ना, भूल गए, याद रखना बहुत कम आएगा। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच और कोस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच,
ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे भी एच है, इसके नीचे भी एच है, एच से एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी अपॉन बी। तो इसका मतलब ये है कि पी अपॉन बी बचेगा, और पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी तो टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा को हम साइन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, आगे के सवालों में भी आपको कई बार ये यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए इसी का यूज़ करते हुए हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली है, मतलब साइन बाय कोस। अब आपको ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा, ये डिवाइडेड बाय ये करो ये आएगा। अब कैसे आएगा देखो, वो भी सिखा देता हूँ आपको। आपको करना है जीरो डिवाइडेड बाय वन, तो जब आप जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या है, यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, वन बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू। अब यहाँ पर इसके नीचे भी टू है, इसके नीचे भी टू है, तो नीचे वाले टू से नीचे वाला टू कट जाएगा, जैसे यहाँ पे एच से एच कट गया था, तो क्या बचेगा, तो ऊपर आपका वन रह जाएगा और नीचे आपका रूट थ्री आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का दो दो कट चुका है, वन बाय रूट थ्री आपका आ गया, ठीक है। ऐसे यहां पर आ जाओ, इसके नीचे भी रूट टू है, इसके नीचे भी रूट टू है, तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, और वन डिवाइडेड बाय वन क्या होगा भाई, एक को एक से डिवाइड करेंगे, एक ही कम एक, एक बार जाएगा ये आ गया एक, आगे आ जाओ। अब यहां पर टू दोनों के नीचे टू से टू कट जाएगा, तो रूट थ्री डिवाइडेड बाय वन, तो यहां पर रूट थ्री ही आएगा। अब यहां पर वन डिवाइडेड बाय जीरो, और डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पर इस वजह से क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने साइन अपॉन कोस करके टेन की सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब कोट पर आ जाओ, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है ना, आपको पता होगा ये। अब ये वाली सारी वैल्यूज का उल्टा कर दो, चार पाई पलट दो, तो कोड की सारी आ जाएंगे। देखिए जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, वन बाय रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री, वन का उल्टा वन ही होता है, रूट थ्री का उल्टा वन बाय रूट थ्री, और नॉट डिफाइन का उल्टा जीरो हो गया, जैसे कि जीरो का नॉट डिफाइन था, या आपकी कोट की वैल्यू आ गई। सेक की निकालनी है जी, सेक कोस का उल्टा होता है, ठीक है, कोस का उल्टा सेक होता है ना भाई, कोस क्या होता है, कोस होता है आपका बी अपॉन एच, सेक क्या होता है आपका एच अपॉन बी, आपको बता रखा है पहले से मैंने। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, एक का उल्टा एक ही होता है, रूट थ्री बाय टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू हो जाएगा, वन बाय टू का उल्टा टू हो जाएगा, और जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसे ही आ गई आपकी। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन की सारी उल्टी वैल्यू होगा, तो कोसेक क्या देगी, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन हो गया, वन बाय टू का उल्टा टू हो गया, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू हो गया, थ्री बाय रूट टू का रूट थ्री बाय टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री हो गया, और वन का उल्टा वन ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी वैल्यूज याद हो गई हमें, तो हमने सिर्फ साइन, इसकी साइन की याद रखनी है, जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री बाय टू और वन, बस ये याद कर लो, बाकी की सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। ये टेबल बहुत ही ज़रूरी है याद करना आपको, कई सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से आप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े मार्क्स जो कवर करती है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसलिए टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेबल काम आएगी, आगे के सवाल आप जब भी समझ पाएंगे, जो आपको टेबल अच्छे से याद होगी, तो इसको एक बार खुद लिख लेना, इसको एक बार देख लेना, जिस तरह से मैंने लिखवाई है इस तरीके से लिख लेना, याद हो जाएगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं।